जय हिंद साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की एक ट्रिक बनाई हमने और भौतिक प्रदेशों में आपको किस तरीके से याद करना है। वीडियो के अंत में आपके इस ट्रिक को लेकर मैं फीडबैक आप भी क्लियर कर देंगे और मैं भी क्लियर कर दूंगा। एक बड़ी शानदार ट्रिक है, वीडियो के अंत तक बने रहना, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, क्षेत्रफल से संबंधित डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है। पहले ये क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान को उच्चावच और जलवायु के आधार पर चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर हम बात करें प्रोफेसर वीसी शर्मा के अनुसार, उन्होंने राजस्थान को सात भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश जो उच्चावच और जलवायु के आधार पर, उनका क्षेत्रफल याद करने का बड़ा शानदार तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, आप काफी समय से तैयारी कर रहे होंगे पर अपना भी यह तरीका देखिए एक बार। अगर ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, राजस्थान है और ये अरावली पर्वतमाला है, ये पश्चिमी मरुस्थल हो गया, ये अरावली पर्वतमाला होगी और ये पूर्वी मैदान हो गया। ठीक है, और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये क्लियर कर देता हूं। क्षेत्रफल 61.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। कौन? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसमें आपको एक ट्रिक बड़ी शानदार है, 61.11 को आप इस तरीके से लिखें। ठीक है, यहां पॉइंट को हटा दें और इन सब को प्लस कर दें, जैसा कि अब यहां 1+1, ठीक है, फिर 1, फिर बराबर, अब बराबर में कितने हो गए? 9, 6+3, ठीक है, इनको अलग अलग काउंटेबल संख्या में जोड़ना है तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये 9% क्षेत्रफल है वो किसका हो जाएगा? ये 9% क्षेत्रफल जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया अरावली का? 9%। ध्यान रखना, अरावली का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? ये 9% क्षेत्रफल अरावली का हो जाएगा। अब हम कौन सा भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं? तीसरे नंबर का। ठीक है, इससे पहले हमने कितने भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल पहचान लिया? दो का। तो कितने का पहचान लिया? दो का। अब जानना किसका चाहते हैं तीसरे भौतिक प्रदेश का, वो कौन सा होगा? पूर्वी मैदान। तो देखिए तीसरे भौतिक प्रदेश का पहचानना चाहते हैं तो ये 23%, दो का पहचान लिया और तीसरे का पहचानना चाहते हैं तो तीनों को अगर एक साथ लिख देंगे हम, ठीक है, तीनों को हम एक साथ लिख देंगे तो ये 23% है जो पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बताइए डाउट है क्या? कोई नहीं है ना डाउट? तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो हड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल पहचानेंगे हम, तो यहां टोटल हमने ये किया है, इसको माइनस कर लें 100 में से तो आएगा 6.89%। 6.89% क्षेत्रफल कौन कवर तक करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बताइए ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी? तो आज ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए आपको आज ही चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, प्रतिदिन मैं एक ट्रिक जरूर लेकर आऊंगा आपके बीच। तो ये क्षेत्रफल से संबंधित राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हैं, उनका डाउट क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर कर देता हूं, चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। नंबर एक पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका जो क्षेत्रफल है 61.11% है। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 40%। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 9% क्षेत्रफल कवर करता है। बाकी 10% जो जनसंख्या को कितने को कवर करता है? ये
10% जनसंख्या, ध्यान रखना जो जनसंख्या होगी 10% को कवर करता है। अगर हम पूर्वी मैदान की बात करें, पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान 23% क्षेत्रफल और जनसंख्या, ये ध्यान रखना है 39% जनसंख्या यहां निवास करती है। आगे हम चर्चा करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, जिसे आप दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें मैं आपके बीच चर्चा करूं तो 6.89% तो क्षेत्रफल है और जनसंख्या 11% निवास करती है। तो मुझे विश्वास है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल आप शेयर करेंगे हर एजुकेशन ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह शेयर करना, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। आपसे एक विनती कर रहा हूं, देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट शेयर करते हैं, कमेंट करना शेयर करके। जय हिंद, जय भारत।